है खास हर अंदाज। गुल्लू और दुल्हन की शादी में तो गुल्लू के बाप होना ही आ सके, लेकिन वो बिटिया की शादी में तो उन्हें आना ही पड़ेगा ना। हम पिताजी को ढूंढ लेंगे। तो जरूरत नहीं ईरा जी, वो आदमी ने हमारी दोनों अम्माओं को बहुत दुख दिया है। ये घर में जितनी भी तकलीफें हैं ना, केवल वो आदमी के कारण है, और हम नहीं चाहते कि वो आदमी दोबारा ही घर में आए। हमें इस बात का पूरा यकीन है कि आपकी ये जो कैद है ना, वो सिर्फ चंद दिनों की और है। आपके खानदान वाले आपको ढूंढते ढूंढते मुझ तक जरूर पहुंचेंगे। हेलो, हमने न्यूज़पेपर में जनाब ब्रजेश पांडे के बारे में इश्तेहार देखा था, क्या वो आपने छपवाया था? जी जी हाँ। हम जानते हैं ब्रजेश पांडे कहाँ है। हेलो, हमने न्यूज़पेपर में ब्रजेश पांडे के बारे में इश्तेहार देखा है, क्या वो आपने छपाया है? जी जी हाँ। हम जानते हैं कि वो कहाँ है। हमने आपका होने वाला दामाद ढूंढ लिया है। अरे बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको चाहिए था, एकदम रईस और खानदानी। ये तो बहुत खुशी की बात है, हम उससे मिलना चाहेंगे अभी इसी वक्त। अखिलेश जी, एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया है। अब क्या हुआ? वो क्या है ना कि हमारे अबू जान आपसे और आपके खानदान वालों से आज ही मिलना चाहते हैं। कौन है ये बदतमीज खातून? ये भी हमारी अम्मी है। एक नहीं दुई। ये हमारी पहली अम्मी है, ये हमारी मझली अम्मी है, और हम हैं उनकी तीसरी अम्मी जान। कौन? आपके मुंह से तारीफ सुनने के लिए तो मैं धावते पड़ते आई। खुदा खैर करे, बेहूदगी की सारी हदें पार कर दी इन मोहतरमा ने। हमारा शक एकदम सही निकला, आप दोनों के बीच में कोई रिश्ता जरूर है। देखो, और मजबूत बनाने के लिए हम आप दोनों की मंगनी किए देते हैं अभी इसी वक्त। हमारा पहना ना बना बना। कितनी नफरत करते हैं हम इस ब्रजेश पांडे से, इतनी नफरत की अगर इसके खानदान का कोई और भी मिल जाए ना, तो उसको भी ना छोड़े। किसी भी हालत में इस कादिर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब बीबी की फैमिली है। ब्रजेश पांडे का फैमिली? कितनी नफरत करते हैं हम इस ब्रजेश पांडे से, इतनी नफरत की अगर इसके खानदान का कोई और भी मिल जाए ना, तो उसको भी ना छोड़े। किसी भी हालत में इस कादिर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब बीबी की फैमिली है। ब्रजेश पांडे का फैमिली? ब्रजेश पांडे, इसका मतलब ये खानदान ब्रजेश पांडे का है? ठहरिए, ये निकाह नहीं हो सकता। हमारे साथ बहुत बड़ा फरेब हुआ है। ये जो अखिलेश है ना, यही अकरम है, और जो अकरम है वही अखिलेश है। इन सब ने आपसे झूठ बोला है। जिस ब्रजेश पांडे से आप नफरत करते हैं, ये उनका परिवार है। परदार जो किसी ने ब्रजेश पांडे की तरफ कदम भी बढ़ाया तो सबकी जान जाएगी। और शौकत मियां, आप भी अपने ही हाथों से अपनी बेटी को बेवा करने से हम नहीं कतराएंगे, समझ गए आप? अगर दो दो बीवियों के साथ रहना है तो ऐसा कुछ चक्कर चलाना होगा कि ये दोनों हमारे पीछे नाचती भागती रहे। गुल्लू के बाप, हुई आरती ले लो। अरे मोरे गंगा मैया, ए गुल्लू, तुम्हारे बापू कहाँ गए? चाची, हमारे चाचा कहीं फिर से भाग तो नहीं गए? सूप एंड सैलेड, अब पराठा और अचार। आई सेड सूप एंड सैलेड। एक दिन यही पी के ना खर्च हो जाओगी।
गुल्लू के बाप को ये सब नहीं भाता, वो तो पराठा और मिर्ची का अचार ही खाएंगे बता रहे हैं। लिसन पुष्पा, फॉर द लास्ट टाइम डैम इट, मैं तुमसे बेटर जानती हूँ कि बीपी की हेल्थ के लिए क्या ठीक है और क्या नहीं। ओके okay? अच्छा, सेहत के बारे में इतना जानती हो तो अपने दिमाग की हालत नहीं ठीक की तुमने। How dare you? Oh, do, do, do. हम देखो ना, कि रोज रोज की फसाद का कौनू तोड़ हमका निकालना ही होगा इरा जी, क्या हो गया? और पिताजी, आपको इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मुझे लगता है पिताजी कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, इस बार मैं बताती हूँ कि तुम्हारे पिताजी क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा? यस, बीपी ये कहना चाहते हैं कि जो हम दोनों में से इसे पहले ठीक करेगा, बीपी अपनी बाकी की जिंदगी उसके साथ गुजारेगा। राइट डार्लिंग? हाँ दादा। लगता है सुगर पुडिंग कोई बड़ा खेल खेल रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं माम, लेकिन पिताजी की बीमारी को दूर करने का कोई उपाय तो निकालना होगा ना हमका। अरे हमका पता है ना तुम्हारे पापा कैसे ठीक होंगे। कैसे? कांग्रेचुलेशंस। तुम कभी हम घर में माता का जगराता का आयोजन करेंगे। तेरा वाली माता के पास सारी बीमारियों का इलाज है बिटुआ, तुम जानते हो ना। लेकिन मोटी बाप, पिताजी को पहले किसी अच्छे से न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। अरे उसकी कहने जरूरत नहीं है, हमका सेरा वाली माता पे पूरा पूरा विश्वास है। चुपचाप काहे खड़े हो, चलो जगराते की तैयारी करते हैं। आओ दुल्हन है, बाप को उठाए लो। बीपी किसी जगराते से ठीक नहीं होने वाला। बीपी कैसे ठीक होगा ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मिसेज पांडे वो है, ये उनके लिए। What's positive? इसका मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ। बेटो बीपी, तुम फिर से डैड बनने वाले हो। कभी ऑरेंज मॉकटेल को कॉकटेल बनाया है? हो जाएगा हुकुम मैम, ये आपके लिए। आज ना आप बड़े स्मार्ट लग रहे। अब अभी जी आओ सेल्फी लेते हैं, आ जाओ। बड़ा शौक है ना तुझे सेल्फी लेने का, वो भी मेरी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के। हरकी साले चाटू मत। देख कितना खुश था मेरा बेटा, लेकिन तूने उसे मार डाला। आज मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं, लेकिन तेरा पति इस दुनिया में होकर भी तेरे साथ नहीं है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको खुद को माँ कहते हुए। लेकिन अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ, क्योंकि अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक माँ की मक्कारी जीतती है या पत्नी की प्रतिज्ञा। ब्रिजवासियों की प्रार्थना द्वारा राधा होती है भद्रकाली का रूप लेने पर बाध्य। हम यहाँ तुम्हारे जीवन की ज्योति बुझाने वाले थे और तुम स्वयं ही मृत्यु के मुंह में आ गई। रक्तबीज, इस खड़क से मैं तुम्हारा सम्राट करूंगी और तुम्हारे रक्त की एक बूंद भी इस खप्पर से नीचे नहीं गिरने दूंगी। पर्दे खुले तो लाइट बुझा दो। किससे बात कर रहे हो?